मैं क्या हूँ, मैं बोलता हूँ जय श्री राम, बार बार बोलता हूँ जय श्री राम जय श्री राम, जय जाओ जिसने गोली मारनी मार दे, जाओ जिसने मेरे पहले की तरह बम चलाने चला, तुम्हारी ऐसी की तैसी, राम जी ने आपका क्या बिगाड़ा। जब राम जन्म भूमि का निर्माण होता है तो सिख कई गुरुओं की तरफ से, जिम्मेदार लोगों की तरफ से ये स्टेटमेंट आती है कि सिखों को राम जन्मभूमि नहीं जाना चाहिए, मूर्ति पूजा है। तो फिर सोच हमारी कहाँ है, और सिख कौम की तरफ से आवाज क्यों ना उठे कि आप ये गलत कह रहे हैं। क्या हरमंदर साहब आने के लिए, क्या कोई शंकराचार्य जी कहते हैं कि आप हरमंदर साहब नहीं जाएंगे, लाइनें लगी हुई हैं। का मतलब जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, अमरनाथ जी का ज्योतिर्लिंग है कि वो बर्फ का टुकड़ा और मिट्टी के टुकड़े या पत्थर के टुकड़े हैं, कहने का मतलब तो फिर यही हुआ। मैं 12 ज्योतिर्लिंग भी पूरे कर चुका उसकी कृपा से, मैं 9 ग्रह भी पूरे कर चुका, मैं तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतिहास हजारों बार मर के जन्म ले लेंगे, हम अपने मंदिर पूरे नहीं कर पाएंगे। अरे राम जन्मभूमि का 500 साल का इतिहास, खूनी इतिहास, हजारों कुर्बानी शहादत, या राम जन्म भूमि बन जाती है तो आपको क्या तकलीफ है। अबू धाबी में अगर हिंदू धर्म का मंदिर बन जाता है तो आपको क्या तकलीफ है। अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते, ये क्यों कहते हो सिख धर्म वहां ना जाए, तो सिख धर्म में बोलने वाला क्यों नहीं कोई, क्यों राम से आपको नफरत है, क्यों हिंदू धर्म से आपको नफरत है। अगर कहते हैं नफरत नहीं है तो सिख समाज के